माँ मुझे एक बात पूछनी है। परमपिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने में इतनी देर क्यों लगाता है? और सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसमें है। बताओ ये क्या है? ये तो कोष है। और कुछ दिनों के बाद जब ये कोष टूटेगा तो बताओ इसमें से क्या निकलेगा? तितली। तो कुछ दिनों के लिए इंतजार क्यों करना? हम इसे अभी तोड़ देते हैं, तितली अभी बाहर आ जाएगी। नहीं माँ, अभी तोड़ेंगे तो तितली मर जाएगी। समझ गया, जैसे तितली का सही समय पर अपने कोष से बाहर निकलना एक प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही सच्चे मन से की गई प्रार्थना परमपिता परमेश्वर हमेशा सुनते हैं और सही समय आने पर उसका फल भी देते हैं, है ना? अब घर चले। सम्राट, हमने बहुत ही कुशल सैनिक भेजा था सेंचुरियन पर हमला करने को। पर क्या सम्राट, वो लगता है इसे अपनी बात कहने में बहुत परेशानी हो रही है। तलवार दो। जो सैनिक ठीक से बात तक नहीं कर सकता वो हमारे राज्य की रक्षा क्या करेगा? सेंचुरियन ने उस सैनिक को मार गिराया सम्राट, हमला असफल रहा। क्या उस सैनिक ने हमला करते समय हमारे राज्य के सैनिकों की वर्दी पहन रखी थी? जी, जी, जी सम्राट। वाह, तुमने जो कार्य किया है उसके लिए तुम निश्चय ही पुरस्कार के अधिकारी हो। तुम व्यक्तिगत रूप से 2400 घंटे पहरे पर रहोगे। जी सम्राट। मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्य के दूसरे स्वामी भक्त सैनिक महान सेंचुरियन निश्चित तौर पर मुझसे मिलने आएंगे और मैं उस खास मुलाकात की खास तौर से तैयारी करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ? जी, मुझे आपसे और यीशु से कुछ जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ, अब बात भी करेंगे और खाएंगे पिएंगे भी। आप ही का घर है, मैं शरबत लेकर आती हूँ। आइए बैठिए। जी, वो नीमा के पिताजी ने यीशु को चुनौती देकर आपके परिवार के लिए जो समस्या खड़ी की है उसका तो कोई हल नहीं है मेरे पास, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। यीशु ने मेरे भीतर एक उम्मीद जगा दी है। सारी उम्र मैं अपनी बच्ची के लिए ईश्वर के किसी संकेत की प्रतीक्षा करती रही, मगर अब लगता है कि शायद यीशु ही वो संकेत है। देखिए, मैं आपकी चिंता, आपकी बात समझती हूँ, लेकिन
मैं नहीं जानती कि यीशु आपकी बेटी की मदद कैसे करेगा, क्योंकि है तो एक बच्चा ही ना। मुझे नीमा से बात करनी है अकेले में। अकेले में बात करके ये हालात और बिगाड़ ना दे और हमें गांव छोड़ के जाना ना पड़े। अरे यीशु बेटा, यहाँ तो सब अपने ही हैं, अकेले में क्या बात करना, जो भी बात करना यहीं कर लो। अरे कोई बात नहीं, अगर यीशु नीमा से अकेले में बात करना चाहता है तो उसे बात करने दीजिए। नीमा जाओ बेटा, संभाल के। बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी माँ भी यही कहती होगी ना। मैं यीशु हूँ। मैं नीमा। अब तो हम अजनबी नहीं है, इसका मतलब अब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नीमा को मेरे सिवाय किसी और से बात करने की आदत नहीं है ना, तो वो। आप चिंता मत कीजिए, मेरा यीशु सब संभाल लेगा। मैं जानता हूँ कि तुम डरी हुई हो। नहीं, मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं हूँ। मैं अंधी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अजनबियों से बात करने में डर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मुझसे बात करने में डर लग रहा है, लेकिन कल जब रब्बी गुरुजी ने मुझे 2-3 में तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाने की चुनौती दी थी, तब मैंने देखा था कि तुमने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया था। मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। अभी भी तुम ये सोचकर डरी हुई हो कि 2 दिनों में क्या होने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? इसलिए कि मैं खुद भी डरा हुआ था, लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर डर लगे तो मन में परमपिता परमेश्वर का घर बना लेना चाहिए, क्योंकि जब परमपिता परमेश्वर का घर होता है वहाँ किसी का डर नहीं होता। माँ की बात सुनते ही मेरा सारा डर खत्म हो गया। मुझे लगता है अगर तुम भी अपने मन में परमपिता परमेश्वर का घर बना लोगी तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लगने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख पाओगी। गिरा हुआ पंख भी उड़ सकता है, बस इसे सारे के लिए हवा की जरूरत है। मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, जैसे हवा इस पंख की कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि परमपिता के आशीर्वाद से बहुत जल्द तुम पूरी दुनिया को देख पाओगी। और इस पंख की तरह ऊंची उड़ान भर पाओगी।
नजर इस पड़ोसी देश में है। यहाँ सोने के खचाखच अपार भंडार है और यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए हमें इसे अपने राज में शामिल करने से हर तरह से फायदा है। सम्राट, मैंने पहरे की मीनार से देखा कि सम्राट मुझे आपसे बात करनी है सम्राट। मेरे इस खंजर पर इस राज्य के इस सैनिक का खून लगा है, जिसकी वजह आप हैं। मुझे उड़ने के लिए इस पंख की तरह किसी के सहारे की जरूरत है। मैं अंधी जरूर हूं, पर लाचार और बेबस नहीं। कोई हमें सहारा देता है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी चिंता करता है, हमें खुश देखना चाहता है और उसके मन में हमारे लिए प्रेम है। और प्रेम तो जितना बड़े उतना अच्छा है ना, फिर सहारा लेना बुरा कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बने, और दोस्त तो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखता है। तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सिर्फ तुम्हारा एक अंधी लड़की को सहानुभूति दिखाने का तरीका है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सहानुभूति। माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। माँ, माँ, चलिए मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं माँ, मुझे पता है दरवाजा कहाँ है। मुझे आवाज आ रही है वायु यंत्र की। दोपहर के खाने के बाद मैं और मेरे दोस्त खेलने जा रहे हैं। नीमा आना चाहे तो आ सकती है। मैं उन लोगों के साथ खेलने क्यों आऊंगी जो देख सकते हैं और सहानुभूति पाने के लिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा नीमा,
लेकिन अगर तुम्हें जरा भी ऐसा लगे कि मैं सहानुभूति नहीं दिखा रहा था तो तुम जरूर आना। माँ चलिए। बेटा बुरा मत मानो, हो सकता है कि उसका मन बदल जाए और वो खेलने आ जाए। जब बुरा नहीं लगा माँ, मैं जानता हूँ जैसे तितली को अपने कोच से बाहर निकलने में समय लगता है, वैसे ही नीमा को भी थोड़ा समय लगेगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने कोच से बाहर जरूर निकलेगी। इस राज्य का हर सैनिक मेरे परिवार के सदस्य की तरह है, और आज आपकी वजह से मुझे मेरे परिवार के एक सदस्य को मारना पड़ा। सम्राट, अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो किसी गुप्तचर को भेजने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए और मार डालिए मुझे। राज्य का वफादार सैनिक अगर यहाँ की बजाय नाजरत पहुंच गया होता तो आज यीशु यहाँ होता। अभी काम अधूरा है, इस वफादार सैनिक के जरिए ही मुझे यीशु को नए सम्राट तक पहुंचाना है। इसकी मौत का तमाशा मैं फिर कभी देख लूंगा। मत मारो अभी, मत मारो। भविष्यवाणी वाले बच्चे के बारे में पता करने के लिए इसे वापस भेजो। मैंने तुम्हारे ऊपर हमला इसीलिए करवाया क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम कितने सावधान हो, और तुमने उस हमलावर को मारकर यह साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी तलवार की गति कितनी तीव्र है। अब जाओ और भविष्यवाणी वाले बच्चे को ढूंढकर अपना काम पूरा करो, क्योंकि फिर वापस आने के बाद तुम्हें अपने राज्य को विस्तार देने में अपने सम्राट की मदद करनी होगी। मैं आपके बातों के पीछे की सच्चाई बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, मगर इस राज सिंहासन के प्रति मेरी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं ये काम जरूर करूंगा। इंतजार नहीं हो रहा अब उस घड़ी का जब यह वफादार सैनिक यीशु को खींचकर इस नए सम्राट के कदमों में पटक देगा, और तब मैं खींचूंगा डोरी इस नए सम्राट की और कहूंगा नाच सम्राट नाच, आगे बढ़ और खत्म कर दे यीशु को।
यीशु, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी पिताजी। पिताजी, जो लोग देख नहीं सकते हमसे बेहतर सुन सकते हैं क्या? हाँ, आओ बैठो। देखो तो ईश्वर जब किसी एक चीज को छीन लेते हैं तो उसकी जगह पर किसी दूसरी चीज को और मजबूत कर देते हैं। जिनकी आंखें नहीं होती ना, यकीनन वो हम सबसे बेहतर सुन पाते हैं। यहां तक कि वो ये भी समझ जाते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ध्वनि की तीव्रता को सुनकर उन्हें यह भी पता चल जाता है कि कोई चीज कितनी दूर या फिर कितनी पास है। समझे? मिल गया रास्ता। मुझे आपकी मदद चाहिए पिताजी। बोलो ना बेटा, क्या मदद चाहिए? कुछ खास बनाना है, कुछ ऐसा जिसकी सुंदरता देखने से ज्यादा सुनने में हो।